हेलो एवरीवन, बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर आपके साथ, जिस चैप्टर का नाम क्या है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आप सब ने चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपने वो सब रिवाइज भी कर लिया और याद भी कर लिया है, तभी आप इस एक्ट को स्टार्ट करना जब आपका वो कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, तो बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस चैप्टर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है पहले तो ये बात समझो। इस चैप्टर को इंस्टीट्यूट की बुक में 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है। जो पिछला एक्ट था द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें 6 यूनिट थी, उसे 1872 में लेके आए और इसे 1930 में लेके आए। पहले तो थोड़ा सा बेस समझा दूँ कि ये एक्ट उससे थोड़ा सा कैसा, दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है। बेटा वो तो एक जनरल एक्ट है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम उस एक्ट को यूज़ करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बेटा हम क्या करेंगे, ये खाली वो ट्रांजैक्शन कवर करेगा जो ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होंगी, गुड्स से रिलेटेड होंगी। जब हम कौन क्या सेल करेंगे, कोई गुड्स सेल करेंगे। कितनी बातें ऐसी थी जो वो एक्ट कवर नहीं करता था, तो हमने एक एक्ट स्पेसिफिकली बनाया कि बिजनेसमैन जब भी कोई गुड्स परचेज या सेल करेगा तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम अराइज हो सकती थी, तो उन प्रॉब्लम का सलूशन हम इस एक्ट में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम क्या पढ़ेंगे 4 यूनिट में, पहले एक थोड़ा सा आइडिया लगे ना। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है इसे फॉर्म कैसे करते हैं। बेटा ये भी एक है तो कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आप सेल ऑफ गुड्स करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही बनेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। तभी वो जब एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बनेगी तभी आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट इस वाले चैप्टर को पढ़ो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मेरी बात समझो कि एक्ट हमने बनाया क्यों, इसमें हमने 4 यूनिट बनाई अलग अलग जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम अराइज हो सकती थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो सकती थी, पहले तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ना सीखेंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को परफॉर्म, जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो आपका ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को बनाओगे कैसे। ये फर्स्ट यूनिट में हमने ये सीखना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या है, गुड्स का मीनिंग क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स के गुड्स होते हैं, सेल्स और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को कैसे फॉर्म करोगे, डिलीवरी कहाँ पर होगी, गुड्स की डिलीवरी क्या सेलर के प्लेस पर होगी या बायर के प्लेस पर होगी, कौन सा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा जो ये शो करेगा कि आप गुड्स के एक्चुअल ओनर हो या नहीं, और जो सेल से रिलेटेड सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट। ये तो यूनिट 1 है, बाकी यूनिट्स में क्या करेंगे हम। आपने कितनी बार सुना होगा जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो हमें कितनी बार वारंटी मिलती है, गारंटी मिलती है, तो उस गारंटी या वारंटी का मीनिंग क्या होता है, कब तक वो गारंटी वैलिड रहेगी। कितनी बार ऐसा होता है आपने गुड्स तो खरीद लिया लेकिन पेमेंट नहीं दी, तो जो सेलर है वो अनपेड सेलर रह जाता है, तो उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं, तो ये सारी बातें हमें पढ़नी है। तो कुल मिला के जितनी भी बातें किससे रिलेटेड है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड है। हम कब मानेंगे कि जो ओनरशिप है गुड्स की वो बायर को ट्रांसफ़र हो गई है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम अराइज हो सकती थी जब एक सेल ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन होती थी। जो बातें पहले क्लैरिफाई नहीं थी वो बातें हमने कब क्लैरिफाई करी, 1930 में क्लैरिफाई करी। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सबसे पहले इसका मीनिंग ही समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या है, हम कब कहेंगे कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर हो रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे सिंपल लिखा, पहले मेरे से रीड कर लेता हूँ फिर समझाऊंगा। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट। बेटा कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग आपको पिछले चैप्टर में पता है ना, एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस एक्ट को समझने से पहले आपको द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। दोबारा पढ़ते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ ए गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर, कह रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे जो सेलर है वो ट्रांसफ़र करेगा और एग्रीज टू ट्रांसफ़र, या तो ट्रांसफ़र कर ही देगा या एग्री करेगा कि मैं फ्यूचर में ट्रांसफ़र करूँगा, क्या द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, द प्रॉपर्टी का मतलब द ओनरशिप इन द गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। सिंपल,
जब भी कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है जनरली देखो ये चीज़ें तो इन्वॉल्व होती है, एक बायर होता है एक सेलर होता है, दोनों आपस में क्या करेंगे, एक बंदा गुड्स एक्सचेंज करेगा और सामने वाला गुड्स के बदले क्या देगा, प्राइस देगा। सिंपली जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल ऑफ गुड्स का तो क्या होता होगा, एक सेलर एक बायर, सेलर क्या देगा गुड्स देगा और सामने वाला बायर उसके बदले क्या देगा, प्राइस देगा। या तो जो वो गुड्स है, जो गुड्स है उस गुड्स में जो ओनरशिप है वो तभी ट्रांसफ़र कर रहा है कि मैंने आज ही सामने वाले बायर को ओनर बना दिया, या जो उसकी ओनरशिप है मैं आज ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, मैं वो ओनरशिप किसी फ्यूचर डेट में ट्रांसफ़र करूँगा, जिसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। कितने बार हम एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं ना, कि मैंने किसी शॉपकीपर से या किसी जो फैक्ट्री का ओनर है उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई आप नेक्स्ट मंथ जो भी गुड्स बनाओगे, आप अगले महीने फैक्ट्री में जितने भी गुड्स बनाओगे उस गुड्स को आप मुझे बेचोगे, तो उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, वो आगे हम डीप में पढ़ेंगे। तो फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, मेन मेन बात है कि एक बायर होगा एक सेलर होगा, बायर जो होगा वो सेलर से गुड्स परचेज कर रहा है और उसके बदले वो क्या दे रहा है, प्राइस दे रहा है। एक बात और समझने वाली बात है बेटा, पहले समय में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे कि भाई ए बी को गुड्स दे रहा है और बी भी उसके बदले क्या ही दे रहा है, गुड्स दे रहा है। मैंने आपको वीट दे दिया, आपने मुझे उसके बदले राइस दे दी, तो उसे हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते थे। क्या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इंक्लूड हो रहा है? क्या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की ट्रांजैक्शन को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इंक्लूड कर सकते हैं क्या? तो मेरे पे आंसर आया शिवम का, नहीं कर सकते। और क्लियरली शायद बाकी सबको भी समझ में आ गया होगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा है बार्टर सिस्टम इज एक्सक्लूडेड। बार्टर सिस्टम को हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ पे खाली कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी बेटा, जो किस में हो रही है, मोनेटरी टर्म्स में हो रही है। क्लियरली लिखा ना, यहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी, जो ट्रांजैक्शन किस में हो रही है, प्राइस की टर्म्स में हो रही है, पैसों के टर्म्स में हो रही है। तो जब ट्रांजैक्शन प्राइस में नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बन सकता। तो शायद आपको मीनिंग जल्दी से आप मेरे साथ दोबारा शॉर्ट में अगर रीड करें, क्या बातें समझ में आई या नहीं, क्या बातें याद हुई या नहीं हुई। और अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, तो जो इसके असेंशियल फीचर्स दे रखे हैं वो भी ऑटोमेटिकली आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको दोबारा ये लो मीनिंग रीड करा देता हूँ कि मैंने मीनिंग क्या बताया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे जो सेलर है वो ट्रांसफ़र कर रहा है या एग्री टू ट्रांसफ़र कर रहा है क्या, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स। हमेशा हमेशा ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या ट्रांसफ़र होती है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। आप कोई गुड्स क्यों खरीदते हो, जिससे कि मैं उस गुड्स का ओनर बन जाऊँ। हम किसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बायर को, किसके बदले, एक प्राइस के बदले, ठीक है। अब इसके कुछ असेंशियल्स दे रखे हैं, वो मीनिंग में ही कवर हो जाते हैं असेंशियल। कम से कम कितनी पार्टी होगी, दो पार्टी होंगी। ऑफकोर्स मैं आपस में तो खरीदूंगा नहीं, मैं ही अपने आप को बेचूंगा तो नहीं। हाँ भाई निखिल तुझे ये गुड्स चाहिए, ले भाई अपने आप को ही खरीद ले और अपने आप को ही बेच ले, ऐसा नहीं होता। सेल्स में हमेशा कितनी पार्टी होंगी, दो। ऑफकोर्स वो किस में डील करेंगी, गुड्स में। अभी क्वेश्चन अराइज होगा गुड्स किसे कहते हैं, वो सारी बातें आगे आ जाएंगी। फिलहाल दो पार्टीज होंगी, ट्रांजेक्शन में क्या जरूर इन्वॉल्व होगा, गुड्स। ट्रांजेक्शन किस में होगी, मनी के टर्म्स में। काइंड की टर्म्स में ट्रांजेक्शन नहीं होगी, यहाँ बार्टर नहीं है, या तो मनी पेड होगी या प्रॉमिस होगी, अलग बात है। इसमें प्रॉपर्टी का भी क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जरूर होगा। इसमें आप ओनरशिप जरूर ट्रांसफ़र करोगे। अगर यहाँ पे ए और बी है, ए बी को अगर साइकिल बेच रहा है, तो हम कब कहेंगे कि उसने साइकिल बेच दी, जब जो साइकिल की ओनरशिप है, जब जो साइकिल की ओनरशिप है वो किस पे चली जाएगी, बी पे चली जाएगी। तभी तो हम कहेंगे कि आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें अदर एलिमेंट्स भी होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो मैंने पहले बता दिया कितनी बार कि ये कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड है। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के आपने अदर असेंशियल एलिमेंट पढ़े हैं यूनिट नंबर 3 में, वो सब फुलफिल होने चाहिए। कि पार्टी क्या होनी चाहिए, फ्री कंसेंट भी होनी चाहिए, पार्टी कैपेबल भी होनी चाहिए, वो सारे के सारे। आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी होना चाहिए, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें। वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जब तक अदर असेंशियल एलिमेंट फुलफिल नहीं होंगे, तब तक वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकती ना। और ये मैं अभी आगे एग्जाम्पल से समझाऊँगा
कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंडीशनल भी हो सकता है और एब्सोल्यूट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ पे डिपेंडेंट भी हो सकता है नहीं, इस वाली बात को हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको बस दो बातें समझाई, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है। शोभित, जो भी आपके डाउट है क्रेडिट सेल क्या होती है वो आगे सब कवर हो जाएगा कि क्रेडिट सेल कवर हो गया नहीं। ऑफ कोर्स कवर हो गई क्रेडिट सेल, है तो बेटा वो सेल ही ना, हम उसमें मनी आज नहीं दे रहे हैं, हम मनी क्या देंगे फ्यूचर में। जो भी आपके जितने भी डाउट्स हैं पहले चैप्टर को हम समझ ले थोड़ा सा, सारी बातें आते रहेंगे, अभी तो खाली एक मीनिंग बताया। अभी तो क्वेश्चन अराइज होगा गुड्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स किसे कहते हैं, अभी तो आज वही आपको मैं क्लैरिफाई करूँगा। फिर सेल्स किसे कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल्स, ये सारी बातें होंगी। डिलीवरी कहाँ पे होनी चाहिए, कितनी बार, ये भी तो लड़ाई हो सकती है। सेलर कहेगा भाई मैं तो अपने प्लेस पे डिलीवरी करूँगा, आपको खुद गुड्स लेके जाना है। बायर कहेगा नहीं जी नहीं, मेरे घर पे पहुँचाऊँ माल। तो उस केस में क्या हमारा एक्ट क्या कहता है, वो सारी बातें। ओनरशिप किस दिन ट्रांसफ़र होती है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। मैं सारे आंसर दूंगा, जैसे ए एक सेलर है, बी एक बायर है, ए ने गुड्स दे दिया ट्रांसपोर्टर को, किसे दे दिया ट्रांसपोर्टर को, ट्रांसपोर्टर गुड्स को लेके निकला, ये दिल्ली में था ये मुंबई में था, ये गुड्स लेके निकला ठीक है, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। अब वो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ तो गुड्स क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, गुड्स की वैल्यू जीरो हो गई। तो क्या ये जो लॉस हुआ है, गुड्स का जो नुकसान हुआ है, वो ए बियर करेगा या बी बियर करेगा, बताओ कौन बियर करेगा। ये बातें कहाँ पे पता चलेंगी, ये बातें इस एक्ट में पता चलेंगी, तो मैं धीरे धीरे करके सब समझा दूंगा आपको। ये तो बता रहा हूँ कि ये बातें समझनी है, तो जल्दी से आप गुड्स का मीनिंग समझते हैं। ये दो बातें समझने के बाद, व्हाट आर गुड्स, गुड्स किसे कहते हैं, तो व्हाट आर गुड्स, जिसका ट्रक है साक्षी, जिसका ट्रक है वो तो बियर ही नहीं करेगा, कहेगा मेरी गलती, कोई एक्सीडेंट हुआ हो गया, या तो उसका नुकसान सेलर देगा या बायर, वो हम आगे बताएंगे। क्योंकि गुड्स का एक्सीडेंट तो मतलब उसने जानबूझ के नहीं कराया ना, वो तो बाय चांस हो गया, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल व्हाट आर गुड्स इस पर डिस्कशन करते हैं। पहली बात, गुड्स हमेशा मूवेबल और सेलेबल होते हैं। कोई भी चीज़ गुड्स तब बनेगी जब वो मूव हो सकती है, जैसे कि मेरे हाथ में ये पेन है, ये मूव हो सकता है, हाँ भैया मूव हो सकता है। ये रिमोट है, ये मूव हो सकता है, हाँ मूव हो सकता है। मेरे पास कैलकुलेटर है, क्या मूव हो सकता है, हाँ भैया मूव हो सकता है। मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, क्या ये मूव हो सकता है, हाँ मूव हो सकता है। भैया ज़रा ज़्यादा उत्साह में ना हो, पता चला मोबाइल फ़ोन उठा के फेंक दिया, हाँ हाँ। तो जो चीज़ें मूव हो सकती हैं हम उसे क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। तो पहले गुड्स का मतलब क्या है, जो चीज़ें मूवेबल होती हैं वो तो सिंपल ऑब्वियस वन चीज़ है, जो आपको पता ही है, जिसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यूज़पेपर है, बुक है, मोबाइल फ़ोन है, कार है, शिप, प्लेन, सबमरीन, ये सारी चीज़ें क्या है, ऑब्वियस वन, आपको पता है दिस इज़ गुड्स, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन जो आपको मे भी लगता हो कि ये गुड्स नहीं है, लेकिन वो गुड्स ही है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, इनटेंजिबल एसेट्स। सॉरी बेटा, इनटेंजिबल एसेट्स में कौन कौन सी बातें कवर हो रही हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में जैसे कि बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं एक एक करके। पहला पॉइंट है कॉपीराइट, यहाँ पे लिखा किशोर कुमार सॉन्ग। कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, कॉपीराइट तो बहुत अलग अलग वे में यूज़ हो सकता है। जैसे किशोर कुमार के सॉन्ग का मतलब क्या है, भाई किशोर कुमार ने एक बार गाना गा दिया, अब उस गाने को उसने डिजिटल फॉर्म में, मतलब क्या कहते हैं, कैसेट्स में होगा, अब उस कैसेट्स की कॉपी बनाने का राइट, कि हम उसे एक कैसेट से दूसरे कैसेट्स में, दूसरे से तीसरे कैसेट्स में अगर ट्रांसफ़र करके बेचना चाहते हैं, तो वो राइट खाली किशोर कुमार के पास या वो किसी और के पास नहीं है। या सिंपल वर्ड्स में वो सिंपल समझाऊं बेटा, हर एक बुक के आगे, जो भी आपके पास बुक हो, उस बुक के आगे ना एक सिंबल लगा हुआ होता है कॉपी राइट का, मैं आपको दिखाना, अगर आप किसी भी बुक के आगे देख लेना कि बुक के आगे ना एक सिंबल होता है कॉपी राइट का, वो कॉपी राइट का सिंबल पता क्या शो करता है, वो कॉपीराइट का सिंबल ये शो करता है कि उस बुक की कॉपी, इस बुक की कॉपी खाली ऑथर के पास और पब्लिशर के पास राइट है कि वो इसे बार बार कॉपी करके आगे रीसेल कर सकता है। आपके पास राइट नहीं होता किसी बुक को कॉपी करने का, क्योंकि हेडिंग क्या है, कॉपीराइट, इस चीज़ को कॉपी करने का राइट खाली ऑथर के पास है, आपके पास नहीं होता। मुझे पता है आप क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भैया हम तो करा लेते हैं, हम तो फोटो स्टेट करा लेते हैं, वो प्रैक्टिकली लीगली अलाउ नहीं है, लाइक ICA फॉर लो पब्लिशर। हाँ बेटा, चाहे जो भी हो, कोई भी बुक जिसने पब्लिश करी हुई है
उस पे राइट होता है कि वही खाली उसे क्या कर सकता है, कॉपी करा सकता है ना। तो वो इंटेंजिबल एसेट्स है लेकिन वो गुड्स है। गुडविल आपने सुना वही होगा, जो आप मार्केट वैल्यू बनाते हो बिजनेस की, काफ़ी साल में अपनी रेपुटेशन बनाते हो, तो गुडविल को भी सेल कर सकते हो। पेटेंट राइट्स अगर मैं बताऊं, जैसे अब कोरोना वैक्सीन इस समय बन रही है, मतलब इस समय रिसर्च चल रही है, जो भी कंपनी उसे डेवलप करेगी तो वो एक फॉर्मूला डेवलप करेगी कि भाई कोरोना वैक्सीन कैसे बनी। वो उस वैक्सीन को डेवलप करने का जो फॉर्मूला डेवलप करा वो उसका पेटेंट ले लेगी कि भाई जो मैंने ये फॉर्मूला डेवलप करा है ना, ये खाली मेरा पेटेंट राइट है, मेरे से बिना पूछे कोई भी कंपनी से यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उस कंपनी ने कितनी इंटेंसिफाई रिसर्च करी होगी तब जाके उसका ये फॉर्मूला डेवलप हुआ होगा कि भाई कौन कौन सी हमें जो ड्रग्स हैं वो कोरोना वैक्सीन में यूज़ करने हैं। वो पेटेंट राइट खुद लेगी कि भाई किसी और के पास राइट ही नहीं है जब तक आप उस कंपनी से परमिशन ना लो। शेयर्स डिबेंचर्स, अब तो आप बेटा सुन चुके हो मतलब 12th क्लास में शेयर और डिबेंचर क्या होते हैं, तो वो भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स, लेकिन ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, गुड्स ही हैं। तो शायद ऑब्वियस वन और नॉट सो ऑब्वियस में आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात लिखी हुई है, वो चीज़ें भी गुड्स हैं जो अटैचड टू ग्राउंड है, ग्राउंड से तो अटैच है लेकिन क्या है, डिटैचेबल, जैसे कि ग्रास, ट्री और मिनरल, ये है तो ग्राउंड से अटैच लेकिन क्या आप इन्हें डिटैच कर सकते हो? हाँ भाई, हम इन्हें डिटैच कर सकते हैं ग्रास, ट्री और मिनरल्स को, तो ये भी क्या है, गुड्स। तो गुड्स कुछ बातें ऑब्वियस है जो आपको पता ही है, जो तो मतलब किसी भी बंदे को पता है कि ये गुड्स है। कुछ चीज़ें होती है जो ऑब्वियस नहीं है, इंटेंजिबल एसेट्स जो मैंने आपको बताया, और ये जो अटैच होते हैं ग्राउंड से लेकिन वो डिटैचेबल है। लेकिन अब साथ में ये भी तो डिस्कस कर लें कि गुड्स क्या नहीं है, व्हाट आर नॉट गुड्स, गुड्स क्या नहीं है। तो गुड्स में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, तो वो दे रखा है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली बात, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। ऑफकोर्स समझ में आता है क्योंकि वो मूव ही नहीं कर सकती। गुड्स की बेसिक कंसेप्ट ही क्या है, कोई भी चीज़ गुड्स कब बनेगा, जब वो क्या होगा, मूवेबल होगा। जो चीज़ इमूवेबल है लाइक लैंड और बिल्डिंग, क्या वो मूव हो सकती है? लैंड बिल्डिंग नहीं। और ये कहाँ पे कवर होती है, इसके लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इंडिया में तो सिंपल चीज़ है कि भाई जो चीज़ एक एक्ट में कवर नहीं हो रही उसे दूसरे एक्ट में कवर करवा दो। इंडिया में इतने एक्ट हैं, आप जब CA बनोगे तब तक आप भी बहुत सारे एक्ट पढ़ोगे, बहुत सारे रूल्स पढ़ोगे, बहुत सारे रेगुलेशंस पढ़ोगे, नोटिफिकेशन पढ़ोगे, मजे आएंगे, बहुत मज़ा आएगा CA बनने में, है ना, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे। तो फिलहाल ये जो लैंड और बिल्डिंग वाली चीज़ है वो किस एक्ट में कवर नहीं है, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं है, उसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है, ये चीज़ गुड्स नहीं है। सेकंड पॉइंट, जो मनी होती है फॉरेन करेंसी, आपने फॉरेन करेंसी, जैसे $1 है, $1 कितने का इस समय, लगभग 72-75 रुपीस के आसपास है, क्या वो गुड्स है या नहीं है? सिंपल फॉरेन करेंसी गुड्स है या नहीं है, जैसे $1 इज इक्वल टू ₹75, तो सिंपल फॉरेन करेंसी तो गुड्स नहीं है, सिंपल भाई, ये गुड्स कोई है, वो उसका एक्सचेंज रेट है, आप उसे एक्सचेंज रेट पे खरीद या बेच रहे हो, जो भी एक्सचेंज रेट होगा, ₹75 का $1 है तो ₹75 दे के $1 दे दिया। लेकिन कितनी बार ना ओल्ड करेंसी होती है, ओल्ड करेंसी नोट्स, पुराने नोट्स, 5 पैसे क्वाइन, 10 पैसा क्वाइन, 20 पैसा क्वाइन, इनकी ना वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये ना यूनिक करेंसी बन जाती है। जो पुरानी करेंसी है ना वो मे बी काफ़ी महंगी बिक सकती है, जैसे किसी के पास अगर बहुत पुराने ज़माने का कोई 1 पैसे का सिक्का है, या 2 पैसे का सिक्का है, या 5 पैसे का है, तो मे बी वो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख में खरीद सके। कितने लोग होते हैं जो उसे काफ़ी कॉस्टली खरीद लेते हैं। क्या ओल्ड करेंसी नोट्स गुड्स में आएगा क्या? तो उसका आंसर आ रहा है यस, ओल्ड करेंसी नोट्स क्या है, गुड है। क्या बात समझ में आई है कि ओल्ड करेंसी नोट्स तो क्या है, गुड्स है। ऐसे ही एक और बात इसमें दे रखी है, एक्शनेबल क्लेम। ऐसे इसमें एक और बात दे रखी है, एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम डिस्कस करें तो बेटा एक्शनेबल क्लेम क्या है, हम वो डिस्कस करते थे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्शनेबल क्लेम? एक्शनेबल क्लेम का मीनिंग क्या, जरा एग्जांपल को ध्यान से सुनना।
एक्शनेबल क्लेम का एग्जांपल है डेप्ट, मतलब आप का कौन से केस का एग्जांपल दे रखा है, केस ऑफ डैमेज वर्थ रुपीस 1 करोड़, मतलब कितनी बार कोर्ट केस चलता है ना बेटा, अगर आपने सुना है या नहीं, कोर्ट केस चलते हैं कितनी बार, कितनी बार ऐसा होता है कि आपके कोई पैसे पेंडिंग है सामने वाली पार्टी पे, लेकिन सामने वाली पार्टी कह रही है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तो आपने सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया है। अब वो केस आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो। अगर वो केस आप जीत गए तो आपके मज़े आ जाएंगे, नहीं जीते तो सारे पैसे डूब जाएंगे। तो जो कोर्ट केस चल रहे होते हैं ना, जो केस पेंडिंग होते हैं, जिसका डिसीजन अभी आया नहीं, जिसका डिसीजन अभी ड्यू है, जो खाली कोर्ट में इन्फोर्स हो सकते हैं कि अगर जीत गए तो पैसे मिलेंगे, हार गए तो कुछ नहीं होगा, तो ऐसे पेंडिंग केसेस को हम क्या कहते हैं, एक्शनेबल क्लेम। एन एक्शनेबल क्लेम आर क्लेम्स विच कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली इन कोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ। ये एक ऐसे क्लेम है जिसे आप खाली कहाँ पे इन्फोर्स करा सकते हो, कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हो। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल किसी सामने वाली पार्टी से कोई पैसे लेने हैं, आपको उससे उसके कारण कोई नुकसान हुआ है, लेकिन वो कह रहा है मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, तो आपने क्या कहा कि भाई मैं तो तेरे अगेंस्ट केस फाइल कर रहा हूँ, केस फाइल कर दिया। जब आपने केस फाइल कर दिया तो वो जो केस है वो किस में कवर होगा, एक्शनेबल क्लेम। क्या बात समझ में आई या नहीं? एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है, जो केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं उसे हम एक्शनेबल क्लेम कहते हैं, क्योंकि हम उसे प्रॉपर बैलेंस शीट में तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उसे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हैं कि ये केस चल रहा है, मे बी ये पैसे रिकवर हो सकते हैं और मे बी ये पैसे रिकवर नहीं हो सकते। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एक्शनेबल क्लेम। तो बेटा बस एक्शनेबल क्लेम क्या है, वो क्लेम जो खाली कहाँ पे इन्फोर्स हो सकते हैं, कोर्ट में इन्फोर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। आप उसे जीत भी सकते हो, आप उसे हार भी सकते हो, बस। और ये एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। हम तो क्या समझ रहे हैं ना कि एक्शनेबल कौन कौन सी चीज़ें गुड्स नहीं हैं, तो ये एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। आप कह सकते हो, शिवम कह रहा है कंटिंजेंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो अराइज हो भी सकते हैं उन्हें भी, यू कैन से दैट, लेकिन हम इसे कौन सा वर्ड देते हैं, एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, कितनी बार सामने वाला क्या होता है, डेटर भी पैसे नहीं देता, वो कह रहा है मैं तो पैसे नहीं दे रहा जी, मेरा तो दिवालिया निकल गया, जो भी कर सकते हो, मैं नहीं दे रहा आप पैसे, तो ऐसे डेटर के अगेंस्ट आप केस फाइल कर रहे हो, तो वो भी क्या बन जाएगा, आपका एक्शनेबल क्लेम। मे भी पैसे रिकवर हों, मे भी पैसे रिकवर ना हों, तो शायद बात है आपको ये समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से देखें अभी तक मैंने आपको क्या समझाया। गुड्स में ऑब्वियस वन की बातें बताई, जो सबको ही पता है ये गुड्स हैं, नॉट सो ऑब्वियस जो लगता है कि ये गुड्स नहीं हैं, और जो एक्चुअल में गुड्स नहीं है फिर मैंने उस पर डिस्कशन करा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अगला कंसेप्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है बायर और सेलर का। यार ये तो सिंपल सी बात है, किसी छोटे भाई बहन से पूछ लेना, बेटा बायर किसे कहते हैं, बेटा सेलर किसे कहते हैं, वो भी बता देगा। दीदी और भैया, बायर उसे कहते हैं जो पर्सन गुड्स खरीदता है या रेडी होता है खरीदने के लिए, या तो खरीद ही रहे या एग्री कर रहे कि मैं खरीद लूँगा। बायर मीन्स ए पर्सन हु बायस और एग्रीज टू बाय ए गुड्स, या तो जो खरीद रहा है या एग्री कर रहा है आई विल बाय ए गुड्स। और सेलर किसे कहते हैं, सेलर एक ऐसा पर्सन है या तो जो बेच रहा है या एग्री करता है बेचने के लिए। तो एक एक लाइन है, बहुत ईजी। बायर जो खरीद रहा है या रेडी टू बाय है उसे हम बायर कह देंगे। सेलर एक ऐसा पर्सन या तो जो सेल कर रहा है या जो एग्री टू सेल है कि मैं फ्यूचर में गुड्स आपको सेल करूँगा। तो गुड्स का मीनिंग हो गया, एक एक लाइन में बायर और सेलर का मीनिंग हो गया। अगले कंसेप्ट को ध्यान से समझो बेटा, टाइप्स ऑफ गुड्स। पहले तो ये समझा गुड्स क्या हैं, क्या चीज़ें गुड्स की डेफिनेशन में आएगी या नहीं आएंगी। अब एक स्टेप और आगे कि गुड्स के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के गुड्स होते हैं, तो एक एक करके विद एन एग्जांपल समझाता हूँ। एग्जिस्टिंग गुड्स, वैसे तो हेडिंग से कितनी बात क्लियर हो जाती है, ऐसे गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल। एग्जिस्टिंग गुड्स उसे कहेंगे जो किस समय एग्जिस्टेंस में, टाइम ऑफ सेल, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो वो उसी समय एग्जिस्टेंस में होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स कहते हैं। कुछ भी जो बेटा आप शॉपकीपर पे जनरली खरीदने जाते हो,
मोबाइल फ़ोन ख़रीदने आते हो, बिस्कुट ख़रीदने आते हो, नमकीन ख़रीदने जाते हो, पेन कॉपी, आप क्या करते हो? सीधा शॉपकीपर के पास जाते हो, उसे कहते हो अच्छा जी भाई आपकी शॉप पे ये बिस्कुट है दे दो, उस समय एग्जिस्टिंग है ले लो भाई, मोबाइल फ़ोन है शॉप पे हाँ जी लो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है हाँ जी है। जो जब आप सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसी समय जो गुड्स एग्जिट कर रहा है तो उसे कौन सा गुड्स कहेंगे? एग्जिस्टिंग गुड्स कह देंगे। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग में भी तीन सब कैटेगरी है एग्जिस्टिंग में भी, तो विद एन एग्जाम्पल समझाऊंगा। स्पेसिफिक, एसर्टेन और अनअसर्टेन, ध्यान से। स्पेसिफिक किसे कहेंगे? जो गुड्स आपने सेपरेटली आइडेंटिफाई कर लिया किस समय, एक सेकंड में अगर आपको एग्जाम्पल दे सकूं, रुको बेटा एक सेकंड में आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बेटा आप मेरी बात को ध्यान से सुनना कि स्पेसिफिक, एसर्टन और अनअसर्टन किसे कहेंगे। तो स्पेसिफिक की बात करते हैं भाई, आप पेन खरीदने गए किसी शॉपकीपर पे, शॉपकीपर के पास ये सारे पेन हैं, आपने इन सारे पेन को देखा, पहली बात ये एग्जिस्टिंग है दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं तो ये एग्जिस्टिंग है। ठीक है, इसमें से स्पेसिफिक, असर्टन और अनअसर्टन में क्या फ़र्क होगा? मैंने इन सारे पेन में से पर्टिकुलर ये एक पेन मुझे पसंद आया, मैंने पहले ही असर्टन कर लिया भैया ये वाला पेन दे दो मुझे। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट के समय पैसे देने से पहले भाई ये वाला पेन दे दो, तो ये जब पर्टिकुलर एक पेन मैंने चुन लिया, सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जब मैं पेन को सेपरेटली अलग से, तो उसे मैं कौन सा कहूँगा? उसे मैं कहूँगा स्पेसिफिक। जब मैं असर्टन कर लूँगा, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करूँगा, तो ये स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगा। एक दूसरा असर्टन, मैंने कहा इतने सारे पेन हैं भैया चलो कोई भी दे देना, ये लो पैसे, सारे पेन 5 रुपये के, कोई भी दे देना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पैसे दे दिए, मैंने कहा चलो ऐसे ही, मैंने कहा चलो सेल कोई ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, मैंने कहा चलो ये वाला पेन दे दो, मैं इसे लेके जा रहा हूँ अपने साथ। मैं पेन को असर्टन तो कर रहा हूँ, लेकिन सेल होने के बाद मैं पैसे दे चुका हूँ, एग्रीमेंट कर चुका हूँ, आफ्टर सेल मैं कोई भी एक पेन सेलेक्ट करता हूँ तो उसे क्या कहेंगे? असर्टन। बाद में असर्टन कर लिया सेल होने के बाद। और अनअसर्टन मतलब मैंने इन सारे पेन में से कोई भी सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं करा, ये सारे पेन हैं, मैंने कहा अच्छा इतने सारे पेन हैं ना ये लो भैया पैसे ले लो, इसमें से जो आपका मन करे एक पेन मुझे दे देना, बाद में मैं थोड़ी देर में आऊँगा आपसे, आपसे ले जाऊँगा। मैंने कोई पेन सेपरेटली आइडेंटिफाई ही नहीं करा, जब मैं सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं करूँगा किसी पेन को तो उसे क्या कहूँगा? अनअसर्टन, कि मैं उसे अलग से आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। तो दोबारा, टाइप्स ऑफ गुड्स में अलग अलग गुड्स दे रखे हैं, एग्जिस्टिंग है एक और एक फ्यूचर है, इन दोनों का फ़र्क समझना तो बड़ा आसान है, अभी मैं लिंक करा दूँगा। एग्जिस्टिंग का मतलब तो क्या है? जो एग्जिस्टेंस में है, जिस समय मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर हो रहा हूँ। और एग्जिस्टेंस के भी तीन पॉइंट दिए थे कि स्पेसिफिकली असर्टन, सेल के बाद एक असर्टन कर रहे हो खुद ही कि अच्छा भाई सेल होगी मुझे ये दे दो, और अनअसर्टन में मैं सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं करता, मैं कह रहा हूँ कि भाई जो देना है भैया दे दो यार अपने आप, मैं सारे एक ही जैसे पहने कोई भी दे दो। फ्यूचर और एग्जिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है वो समझ लें। फ्यूचर और एग्जिस्टिंग, फ्यूचर किसे कहते हैं वो समझा दूँ मैं आपको, अभी मैं रिपीट कर दूँगा बेटा, फ्यूचर गुड्स किसे कहते हैं वो समझा दूँ। फ्यूचर गुड्स वो है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा किस समय, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो। एग्जाम्पल दे रखा है, एक फार्मर है और एक वेंडर है वेजिटेबल का, जो वेजिटेबल्स का वेंडर है उसने एडवांस भी 50,000 रुपये दे दिए कि आप जो भी इस साल पोटैटो की हार्वेस्टिंग करोगे, जब भी पोटैटो 2, 3, 4, 5 महीने बाद हार्वेस्ट होंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो सारे पोटैटोस मैं आपसे खरीदूंगा, उसके लिए 50,000 रुपये रख लो अभी से, या 50,000 रुपये अभी रख लो, बाकी मैं फ्यूचर में जब पोटैटो की हार्वेस्टिंग हो जाएगी तब दूंगा। फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूँ जनवरी में, और उसकी हार्वेस्टिंग कब होगी? जुलाई में। कॉन्ट्रैक्ट कब हो गया? जनवरी में। क्या अभी पोटैटो प्रैक्टिकली एग्जिस्टेंस में है? नहीं, वो कब आएंगे? जुलाई में। जब किसी ऐसे गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है किस दिन, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे गुड्स को हम कौन से गुड्स कहते हैं? फ्यूचर गुड्स। गुड्स विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एट ए फ्यूचर डेट, ये किस समय एग्जिस्टेंस में नहीं है? टाइम ऑफ सेल में एग्जिस्टेंस पे नहीं है,
ऐसे कोई एग्जांपल दे रखा है कि भाई एक मैन्युफैक्चरर है शूज़ का, एक होलसेलर है, होलसेलर ने पहले उसे 1,00,000 रुपये दे दिए कि भाई अगले साल जितने भी शूज़ मैन्युफैक्चर करेगा तू वो सारे मेरे होंगे, अभी हुए नहीं अगले साल होंगे। तो ये दोनों फ़र्क किस में हो गया, एग्जिस्टिंग और दूसरा फ्यूचर। थर्ड कौन सा दे रखा है, कंटिंजेंट गुड्स। कंटिंजेंट का तो बेटा आप कंसेप्ट ध्यान से समझ लो, बार बार लो में बढ़ जाता है। कंटिंजेंट गुड्स ऐसे गुड्स जो एग्जिस्टेंस में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, वो किसी कंटिंजेंट इवेंट पे डिपेंडेंट है। मतलब ऐसे गुड्स जो एग्जिस्टेंस में आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते, वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है। सीधा एग्जांपल लेते हैं, भाई मैंने एक दो, ये दो बंदे हैं, ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, ये कह रहा है मैं तुझे गुड्स दूंगा, लेकिन मैं वो गुड्स तुझे तभी दूंगा, मैं गुड्स तुझे तभी दूंगा अगर मेरे गुड्स मुंबई के पोर्ट पे आ गए, कि भाई मैंने मंगवा रखे हैं लंदन से गुड्स शिप में, अभी वो आ रहे हैं रास्ते में हैं, अगर वो आ जाते हैं यहाँ पे मुंबई में तो मैं गुड्स बेच दूंगा। कितनी बार ना क्या होता है, आपको पता है कितनी बार गुड्स रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और शिप के केसेस में तो बहुत ज़्यादा होता है कितनी बार ये, कि भाई आंधी तूफान चलते रहते हैं समुंदर में तो पता चला गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसीलिए ऐसे केसेस में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आई विल सेल यू गुड्स, मैं सेल करूँगा लेकिन एक कंडीशन लगा दी, अगर गुड्स मुंबई के पोर्ट पर आ गए, अगर ऐसे गुड्स के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, कंटिंजेंट गुड्स। गुड्स हुज एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन सम कंटिंजेंट इवेंट, जो एग्जिस्टेंस में आएंगे या नहीं वो किसी कंटिंजेंट इवेंट पे डिपेंड है। अगर वो एग्जिस्टेंस में आ गए तो सेल्स के ट्रांजैक्शन कर देंगे, अगर नहीं आए तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो आज हमने कुछ बेसिकली बातें करी कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मीनिंग है, उसके फीचर्स हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स है और गुड्स का मीनिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।